पिथौरागढ़ जनपद में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के धारचूला मुनस्यारी में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से मुनस्यारी के तल्ला जोहार क्षेत्र में नौलड़ा खतेड़ा मोटरमार्ग सहित अन्य सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। वहीं ग्राम सभा अम्बोंग सिमखोला को जोड़ने वाला पुल भी बीती रात को बह गया, जिससे अब 70 परिवारों का संपर्क मार्ग भी कट गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए तत्काल अस्थायी पुल की व्यवस्था करने की मांग की है। मंदाकिनी का जल स्तर है वो अभी बहुत 48 घंटे से 12 घंटे तक काफ़ी बढ़ गया है, और जो मधुकोट के देवीगढ़ और भोलाबगर का क्षेत्र है वो लगभग खतरे की जिद में आ गया, क्योंकि यहाँ पे तमाम सुरक्षा वाद जो तटबंध बनाए गए थे विभाग के द्वारा बनाए गए थे पूर्व में, जो एक भोलाबगर और देवीगढ़ को बचाने के लिए का काम करती थी, आज वो सभी सुरक्षा तटबंध यहाँ बह गए हैं। मैं अभी सभी सामान्य क्षेत्रवासियों से या यहाँ पे रियासी इलाके में रह रहे देवीगढ़ और भोलाबगर सामान्य साथियों से आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित स्थान पर नियत स्थान पर चले जाएं, और ताकि आप इस आपदा की घड़ी में और इस विषम परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित पाए। मैं आपदा शासन प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, हालांकि इस आपदा की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का भी सहयोग बना रहे। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।